वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा जबरदस्त सा सिंपल सा पाइनएप्पल ट्राइफल बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखे यहाँ हमारे पास एक पॉट है, इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं और अब इसमें हम डालेंगे 2 कप मिल्क और अब इसको हम थोड़ा बॉईल होने का वेट करते हैं। ये इतना सिंपल डिजर्ट है, इतना झटपट बनने वाला है, फ्यू इंग्रेडिएंट्स के साथ है और जब आप बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो जब तक इसमें बॉईल आता है तब हम क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास 1 कप दूध है, इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च कॉर्न सूप बनाने वाला डाल देते हैं। अगर आप चाहें तो अरारोट पाउडर डाल दें और अगर कस्टर्ड पाउडर चाहें तो वो डाल दें। ये डाल देते हैं और इसको मिला लेते हैं अच्छे से। ये अच्छे से घुल गया है, यहाँ बॉयल अभी भी आने वाला है, थोड़ा टाइम है, तब हम क्या करते हैं कोई भी एक डिश पिक कर लेते हैं। मैंने ये पिक कर लिए। अब इसमें घर में रस्क तो रखे हुए ही होते हैं ना, हमारे घर में तो होते ही हैं बचपन से लेके तो आज तक। हम भी खाते थे, माँ बाप भी खाते थे और अब हमारे बच्चे और उसके बच्चे भी खाते हैं। तो उसमें हम 1 लेयर टोस्ट की सेट कर देते हैं। तो ये देखें ये रख देते हैं। अब ये देखें थोड़ा सा कटा हुआ डाल देते हैं। बेसिकली हमें नीचे का पोर्शन को भर देना है, तो ये हमने भर दिया और यहाँ देखें दूध हमारा ऊपर आने वाला है। तब हम क्या करेंगे, दोबारा कॉर्न स्टार्च का मिक्सचर को चेक कर लेंगे, बैठ तो नहीं गया है, और चूल्हे को कर देंगे थोड़ा सा स्लो। पहले हमने हाई रखा हुआ था, अब कर देते हैं मीडियम हाई और एक हाथ से डालेंगे और एक हाथ से हिला लेंगे। तो बस अब इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते जाएंगे, अदरवाइज अनइवन गाढ़ा हो जाएगा या लम्स बन सकते हैं। अच्छा देखिए अब इसे हमें रिच एंड क्रीमी बनाना है तो उसके 3 तरीके हैं। एक तो मैंने दबाबी सेवइयां बनाई थी, उसमें मैंने डाला था मिल्क पाउडर। अब सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जो है इसमें कंडेंस मिल्क डालें ताकि रिच एंड क्रीमी एंड मीठा हो जाए। अब थर्ड ऑप्शन ये है जो कि बड़ा सिंपल सा मैंने पिक किया है, जो आम हालात में सबके लिए कन्वीनियंट है, कि शक्कर डालें और घर में जो मलाई पड़ी हुई होती है ना वो डालें। तो ये शक्कर जो है मैं डाल देती हूँ इसमें 1/2 कप, आप चाहे तो कम डालें चाहे तो ज़्यादा डालें। और ये जो मैंने रस्क रखे है ना टोस्ट पापे, उसकी जगह अगर आप चाहें तो आप इसमें केक भी रख सकते हैं। अगर आप केक रख रहे हैं तब आप शक्कर जो है इसमें बहुत कम डालेंगे क्योंकि केक ऑलरेडी मीठा होता है ना। तो अब शक्कर जब भी डलती है ना तब थोड़ा सा पतला हो जाता है, तब इसको हम 2 मिनट और पकाएंगे। चलिए देखिए 2 मिनट हो गई है। अब इसमें जैसे कि मैंने कहा मलाई डाल सकते हैं, तो हमारे यहाँ तो मलाई नहीं होती है, तो ये क्रीम जो है टेबल क्रीम, ये बड़ा अच्छा सा सब्स्टिट्यूट है। तो ये क्या है कि रखने में भी बड़ा इजी होता है, ख़राब नहीं होता है, ऐसे ही पैक पड़ा रहता है, फ्रिज की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अक्सर ऐसी चीज़ों में क्रीम यूज़ कर लेती हूँ। तो ये डाल देते हैं। तो ये हमारा 7.6 ounce का है। अब हिला लेंगे दोबारा, तबंग मज़ेदार हो जाएगी। और आपके घर में जो मलाई रखी हुई होती है ना वो आप डाल दें, 6 टेबलस्पून डाल दें, गाढ़ी गाढ़ी होती है ना जो ऊपर जो नहीं आ जाती फ्रिज में रखने के बाद, मेरी अम्मी का घर याद आ जाता है जब भी मैं ये आपको एक्सप्लेन करती हूँ ना कि मलाई मोटी सी डाले तो मेरे तसव्वुर में अम्मी का घर आ जाता है। बचपन से मैं देखती हूँ अम्मी बड़े अच्छे तरह से दूध गर्म करती थी, फिर उसको फ्रिज में रखती थी और मोटी सी एक तह आती थी मलाई की, इतनी आई गेस मेरे ख्याल में 1/2 inch की तो होती थी, और फिर वो निकाल निकाल के रखती थी और फिर उसका मक्खन बनाते थे, और जो सेकंड लेयर आती थी ना और थर्ड लेयर आती थी वो हम चाय में डाल के पीते थे क्योंकि वो थोड़ी सी पतली होती थी।
और अब तो दही भी उससे अम्मी जमाती हैं, तो ऐसा मज़ेदार होता है मलाई ऊपर वाला दही। इसे 2-3 मिनट तक पकाते हैं ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए, जब तक हम हीरो ऑफ द डिश की तरफ आ जाते हैं, पाइनएप्पल ट्राइफल है ना। तो यहाँ देखें मेरे पास एक पाइनएप्पल, क्रश पाइनएप्पल का कैन था जिसको मैंने बाहर निकाल लिया, जिसमें जूसेस भी है और क्रश पाइनएप्पल भी है। तो उसको ले जाते हैं और अपने रस्क से मिलवाते हैं, तो अच्छे से डालेंगे, जूसेस भी डालेंगे और पाइनएप्पल भी डालेंगे ताकि बड़े अच्छे से सोख भी हो जाए। और पाइनएप्पल डालते हुए मुझे याद आ रहा है कि अगर आपने मेरा पाइनएप्पल केक नहीं देखा है जो कि झटपट मैंने बनाया, तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा, बड़े मज़े का। ये क्या होगा, सोख भी हो जाएगा, मीठा भी हो जाएगा और एक लेयर भी बनती जा रही है पाइनएप्पल की। अब ये थोड़ा सा जूस रहने देते हैं और ये जो है इसको देख लेते हैं क्या हाल है। हाँ बड़ा अच्छा हाल है, बस 1 मिनट इसे और पकाएंगे हम। देखें ये इनफ थिक हो गया है, अगर चम्मच से देखा जाए तो ये जो है कोट हो रहा है चम्मच हमारा। तो बस ये जब कोट होने लगे और अगर यूं लाइन लगाएं तो ये अगर ये सेपरेट रह जाती है तो इसका मतलब हो गया है। तो चले चूल्हे को करते हैं बंद और इस मिक्सचर को आधा डाल देते हैं अपने रस के ऊपर। अब एक लेयर रस की और लगाएंगे इसके ऊपर। बस छोटा मोटा जहाँ भी ज़रूरत हो बेसिकली आपको इसको भर देना है। अब ये जो हमने बचाया था ना थोड़ा सा रेशा, वो डाल देंगे इसमें। ये हो गया और अब इसके ऊपर डालेंगे लेफ्ट ओवर हमारा कस्टर्ड। तो ये सब चला गया इसमें। अब हमारे पास पाइनएप्पल है जिसके चंक्स है थोड़े से, अगर आप चाहें तो पूरा पाइनएप्पल वाला ले सकते हैं कैन, या हाफ किया हुआ ले सकते हैं, कुछ पीसेस थोड़े से डेकोरेशन के लिए रखेंगे। तो ये ऊपर का पूरी लेयर जो है हम पाइनएप्पल से कवर कर देंगे। ये तकरीबन 4 टेबलस्पून के आसपास है, अब आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी डिश पे डिपेंड है। चलिए ये हो गया और अब इसको थोड़ा सा लाइवली बनाने के लिए, पाइनएप्पल केक पे भी कैसा चेरी होती है ना, अच्छा सा लगता है, तो इसमें हम चेरी डालेंगे। तो ये देखें इस तरह से मैंने डेकोरेट कर दिया। अब इसको हम बाहर ही रखेंगे जब तक कि रूम टेम्परेचर ना आ जाए, बहुत जल्दी आ जाएगा क्योंकि इसमें ठंडी चीज़ें भी गई हुई है ना पाइनएप्पल वगैरह। तो 5-7 मिनट में ये रूम टेम्परेचर आ जाएगा, फिर उसको फ्रिज में रखेंगे, मैक्सिमम टाइम के लिए रखेंगे। अगर जल्दी है तो 1-1.5 घंटा फ्रीज़र में रख सकते हैं, अदरवाइज़ उसको फ्रिज में रखिए अच्छे से, जब ठंडा हो जाए जब खाएंगे। तो चलें इसको मैं थोड़ी देर में फ्रिज में रखती हूँ और आपको बताती हूँ कि कब मिल रहे हैं। देखिए ठंडा ठंडा, ओवरनाइट रहेगा या 6-8 घंटे तब और भी अच्छा रिजल्ट होगा, लेकिन बहरहाल जितना भी ठंडा हुआ डिश आउट करते हैं।
रेडी। अब अगर आप इसको ज्यादा ठंडा करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा सेट हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो मैंने इतना ही सेट किया। तो चले ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि लग कैसा रहा है। खतरनाक जो फ्रूट कस्टर्ड होता है ना वो भी है, पाइनएप्पल केक भी है, पुडिंग भी है, क्या क्या नहीं है। और ये आप लोगों के लिए इतना क्रीमी है और इतना सिंपल है। आपने देखा कोई खास कुछ इंग्रेडिएंट भी नहीं गया, कैसे झटपट बन गया। मीठा भी बिल्कुल मुनासिब है, ज़्यादा डाल सकते हैं लेकिन कम नहीं डालिएगा। बिल्कुल जैसा नहीं गर्मियों के दिनों में ये एक सिंपल सा लाइट सा झटपट बनने वाला, सिर्फ ठंडक के लिए टाइम देना होगा, बाकी बनाने में ना लेबर जा रही है ना चीज़ें जा रही है ना। बाकी मज़ा आ गया, ऐसा माइंड ब्लोइंग। और ये रबड़ी जैसा खतरनाक बनाना बनता है, तो जल्दी ले जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।